हेलो एवरीवन, आज हम दलित चेतना के संदर्भ में सदगति कहानी पर बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इसकी ना इस चैप्टर की समरी पर भी वीडियो बना रखी है, वो देख ले। 5 मिनट की वीडियो है, वो 5 मिनट में पूरी स्टोरी कवर की है हमने। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, सो दैट एवरीवन कैन गेट गुड वीडियोज़ एंड मटीरियल। ठीक है, चलिए। सदगति जो है यहाँ पर ये सब पढ़ने के लिए नहीं है तो छोड़ देते हैं, है ना, यहाँ पर करते हैं। जैसे यहाँ पे झूरी गौंड की तरह यदि वह भी प्रतिरोधी स्वभाव का होता तो वह कहानी के सवर्णीवादी व्याख्या के काम का ना रह जाता। यानी कि इसमें जो वो है दुखी जो इम्पोर्टेंट पात्र है वो बहुत सीधा साधा है, उसके साथ बहुत अत्याचार होता है। जो दूसरा अत्याचारी है पंडित घासीराम को बिठाने के लिए वो क्या कर, उसको क्या है कि अपनी बेटी की शादी के लिए ब्याह के लिए साइत भी चरवाना है, और इस वजह से वो घासीराम के यहाँ जाता है। और उसके लिए वो पहले से ही अपने घर पर सारा दान दक्षिणा का प्रबंध करके जाता है। और वहीं पे घासीराम जो होता है वो क्या करता है, वो घासीराम को बिठाने के लिए खटिया आसन का प्रबंध करने और सीधा होने, सीधा जो दान दक्षिणा सीधा दिया जाता है पंडितों को, आदि को लेकर दुखी और झुरिया के बीच संवाद होता है। यहीं से कहानी ऐसे शुरू होती है। जाहिर है संवाद इसीलिए कि दुखी अछूत है और अछूत होने के नाते उसे ये इस तरह का दान देना है कि पंडित की वर्ण पवित्रता भी बची रहे और दान भी दिया जा सके। अछूत होने के नाते यहाँ दुखी की समस्या दोहरी है, है ना। अछूत एक तो दान भी देना है, ऊपर से ये भी देखना है कि उसकी पवित्रता भी बनी रहे, है ना। यहाँ से देखें तो पहले पार्ट में जो कहानी दुखी की आत्मदीनता पुरोहित दोहना की लगती थी, दूसरे पाठ में अपरिष्यता के दारुण बोध की कहानी में बदल जाती है। यानी कि पहले में दिखाया जाता है कि इस कृपया वो गरीब है, है ना, फिर भी वो सारे प्रयास कैसे सुबह सुबह उठता है, सुबह सुबह उनकी गाय के लिए चारा काटने जाता है, फिर उस चारे को जब उनके घासीराम के आ जाता है तो उसकी गाय के सामने रख देता है। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें, मतलब सुबह सुबह का माल उसके यहाँ का दिखाया गया था, फिर उसके बाद दूसरे में दिखाया गया किस प्रकार वो अत्याचार करता है ना, ये सारी चीज़ें। झूरी और दुखी के संवाद में से दुखी की जो छवि उभरती है वह दूसरे अनुच्छेद के धर्म भी दुखी से एकदम विलोम है। यानी दो अनुच्छेदों में दिखाया गया ना किस प्रकार वो अपनी पत्नी से बात करता है, ठीक है, तो वहाँ बेबाक होकर खुलकर वो बात करता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि उनके लिए पंडित के लिए खाट ले आओ, तो कहते हैं उनसे एक आग का अंगारा तो निकलता नहीं, वो खाट क्या देंगे ऐसा, है ना। और वहीं पे दूसरे में वो बिल्कुल झुक झुक के उसके घर जाके बात करता है। तो दो तरह की छवियां हैं इसमें, है ना। पहले अनुच्छेद में दुखी को क्रोध भी आता है, है ना, वो अपनी पत्नी से बात करता है तो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, तो उनके अत्याचारों के प्रति उसको विरोध भी आता है। उसमें स्वर्णों के प्रति गुस्सा भी देखने को मिलता है हमें। इसी अनुच्छेद में उसका गुस्सा इन शब्दों में भी व्यक्त हुआ, हमारे उपले सेठ भूसा लकड़ी थोड़ा ही है जो चाहे उठा ले जाएँ। अब सोचने की बात यह है कि सवर्णों द्वारा उसके उपले सेठे उठा लेने पर गुस्से से भर दुखी पुरोहित दोहन को लेकर मन में गुस्सा न रखता हो, यह कैसे हो सकता है। प्रेमचंद ने अगर धर्म भीरु दुखी के चेतन विश्वासों को उभारा है तो उसके अवचेतन से भरे हुए उस गुस्से को भी संकेतों में दिखाया जो उसकी इच्छा से स्वतंत्रता जो स्वतंत्र अपना काम कर रहा था। यानी इसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया है कि वो किस प्रकार गुस्सा होता है, फिर उसके बाद वो काम करता है। इस कहानी में प्रेमचंद अपरिष्यता के प्रति दुखी के विद्रोह को बड़े कमाल से दिखाते हैं। यानी कि यहाँ से बेसिकली कहानी शुरू होती है, इस प्रश्न का आंसर स्टार्ट होता है। है दो दो तरह की स्थितियाँ हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे वो स्वतंत्र है, अपने घर में है, अपनी पत्नी से साधारण बात कर रहा है और वो उन्हीं बातों उन्हीं चीज़ों पर बात कर रहा है। किस प्रकार की, मतलब एक प्रकार से ना ये लोग, मतलब इन लोग बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती, ये लोग आदि हो चुके हैं इतने पुराने टाइम से इतना अत्याचार वगैरह देख कर, और वो बड़ी मेहनत के साथ अपना काम करते हैं, ठीक है। एक छोटे छोटे काम के लिए उनको ऐसे ब्राह्मणों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो मतलब पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ अपनी बेटी का सारी रस्में करना चाहता है। सबसे पहले जो सूत विचारने आदि की भी छोटी छोटी रस्में भी वो प्रॉपर दीन धर्म कर्म से करना चाहता है, और कहीं ना कहीं वो उसको उसका फल भोगना पड़ता है, है ना। इस कहानी में जो प्रेमचंद है अपरिष्यता के प्रति दुखी के विद्रोह को बड़े कमाल से दिखाते हैं। पहले अनुच्छेद में दुखी अपने घर में है इसलिए वहाँ वह ठाकुरों बाभुनों के मनमानी पर निर्जबान से बोलता है, बिना डरे बोलता है, जबकि पंडित घासीराम के दरवाजे पर वो बिल्कुल एकदम ऐसे बेजान प्राणी सा बन जाता है, एक ऐसा आदमी जिसमें कोई जान ही ना हो। यहाँ उसके प्रतिरोधी चेतना अवचेतना में लौट आती है, यानी कि जहाँ उसकी चेतना थी वो अवचेतना अवचेतन बन जाता है पूरी तरह। वह अनचाहे ही आग के लिए पंडित के बराठे तक चला जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करता है कि वो भूखा प्यासा रहता है, उसके लिए उसको
जाना पड़ता है पंडित के परौठे में, और इसी तरह अपरिष्टता मूलक जो धार्मिक निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन कर डालता है, मतलब वो चाहता नहीं था लेकिन वो उसको चाहिए था तो वो ऐसे जाता है, वो मतलब गलती से चला जाता है और ऐसे में उसको मतलब वो पंडितानी उस पर आग फेंक देती है। कहानी में आग का जिक्र पहले अनुच्छेद में भी हो चुका है, और शोभ से भरकर दुखी झूरी से कहता है, हाँ जब वो अपने घर पर रहता है तब वो पहला अनुच्छेद है, ठीक है। तो वहाँ पे अपनी बीबी से कहता है कि ठुकराने में आग तो निकलती नहीं, खटिया क्या देंगे, है ना। यह संयोग है कि जो आग ठुकराने से ना मिली उसे दुखी ने पंडित के बरौठे में घुसकर ले लिया, बेशक इस अपराध का उसे तत्काल फल भोगना पड़ा, और वो फल क्या था, उसकी जान चली जाती है। इस दुखी के अवचेतन का विद्रोह तो नहीं तो और क्या है, दुखी के अवचेतन का विद्रोह वहाँ भी है जब दुखी गांठ को चीनने के लिए बदहवास होकर लाड़ी चलाता है, जब मतलब पंडित होता है वो कह देता है कि अगर लकड़ी नहीं चीरोगे तो मैं सूद विचारने नहीं जाऊँगा, भूल जाओ, तो वो इतना मतलब भूखा प्यासा इतनी मेहनत कर रहा होता है, वो बेचारा थोड़ी देर के लिए बैठता है तो उस पर पंडित ऐसा कह देता है तो वो मतलब लग जाता है पागलपन की तरह उसमें लग जाता है, और आखिरकार क्या होता है, इतना आहत होता है दुखी के भीतर का भय मानो जाग जाता है, पंडित घासी जो घासीराम के डांटने से वो दुखी होता है, दुखी और मानो भाग जाता है, मतलब उसके मन का जो भय होता है वो भाग जाता है, और उसके सामने चुनौती की तरह पड़ी जो लकड़ी की सदियों पुरानी गांठ अचानक उसकी अपनी ही धार्मिक भय ग्रंथि का प्रतीक बन जाती है, यानी कि वो गांठ सिर्फ लकड़ी की गांठ नहीं है, वो धर्म के प्रति जो डर है कि मतलब बिना धार्मिक रीति रिवाजों से भी हो सकती है प्रॉपर अच्छी खासी शादी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो धार्मिक डर की गांठ है ना वो उसका प्रतीक बन जाती है वो लकड़ी की गांठ, वह उस भय ग्रंथि पर प्रहार करना शुरू कर देता है। और प्रेमचंद ने लिखा है कि ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी, एक एक छोट वज्र ना वज्र होता है ना अस्त्र जो है इतना गदे जैसा भारी सा की तरह पड़ती है, दुखी में अचानक आ गई गुप्त शक्ति का खुलासा कहानी में चाहे ना हो लेकिन यह तो स्पष्ट ही है कि लकड़ी की गांठ फट जाने के साथ ही धर्म भीरु दुखी की धर्म भीरता का भी अंत हो जाता है, लकड़ी की गांठ तो चिड़ जाती लेकिन जो धर्म भीरु दुखी है वो भी मर जाता है, समाज का समाजीकरण उठना शुरू हो जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं लाश उठाने कोई चमार नहीं आया, चिखुरी गोट जो इम्पोर्टेंट पात्र है इसका की अगुवाई में शास्त्रवाद के विरुद्ध चमारों का यह पहला विद्रोह था जो हिंदी कहानी के इतिहास में इस तरह शायद पहले बार घट रहा था, है ना। तो इस प्रकार ये क्या है ख़त्म हो गया, और हम एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे ये वाला, सदगति के प्रमुख चरित्र इम्पोर्टेंट पात्र जो हैं इस कहानी में, पांच पात्र हैं इम्पोर्टेंट, दुखी झुरिया पंडित घासीराम पंडितानी और चिखुरी गौंड, चिखुरी गौंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पात्र हैं, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सपोर्ट अस।